अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेस कर रहा है बॉन्ड्स मार्केट पे। हम इस वीडियो में डिमांड ऑफ बॉन्ड्स एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। एंड स्पेसिफिकली जिस चैप्टर से मैं ये कंटेंट डिस्कस कर रही हूँ आपसे, वो आपके मिशिगन की मनी एंड बैंकिंग की बुक के अंदर चैप्टर 5 के अंदर है। सबसे पहले बॉन्ड्स मार्केट पे आने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एसेट डिमांड। एसेट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड भी एक एसेट की फॉर्म है। हम गोल्ड के फॉर्म में भी अपने जो है वो अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। इसी तरह से हम बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली एसेट कोई भी ऐसा पीस ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी ये आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन करता है। अगर आप करंटली किसी चीज़ को परचेज नहीं करना चाहते, आप सेविंग करना चाहते हैं क्योंकि आप फ्यूचर में जो है वो कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप कोई एसेट परचेज कर लें जो कि आपके उन पैसों की वैल्यू को मेंटेन रखेगा, आपकी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखेगा। इन फ्यूचर जब आप उस एसेट को लिक्विडेट करके कुछ परचेज करना चाहेंगे तो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एसेट को बाय करना चाह रहे हैं तो कौन सा एसेट बाय करें। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हर इंडिविजुअल कंसिडर करता है कि भाई अगर उसके पास ऑप्शंस हैं तो वो कौन सा एसेट प्रेफर करेगा बाय करने के लिए। ठीक है, तो नंबर वन यहाँ पे डिटरमिनेंट में हमारे पास है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ से हमारा सिंपल मतलब ये है कि टोटल रिसोर्सेज ओन बाय द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स जो इंडिविजुअल्स के पास हैं उनको कलेक्टिवली, वो कलेक्टिवली जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की वेल्थ को बताते हैं कि वो कितनी उसके पास वेल्थ है, कितने टोटल रिसोर्सेज हैं उसके पास। अब अगर इंडिविजुअल की वेल्थ इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है कि जाहिर है वो डिमांड बढ़ाएगा। ठीक है, तो जब इंसान अपने आप को वेल्दी फील करता है तो वो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ाता है और वो अपनी एसेट्स की डिमांड भी जो है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से हमें यहाँ से पता चला कि वेल्थ जो है वो उसकी इंक्रीज होने से एसेट डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन सेकेंड फैक्टर जो कि हमारी एसेट डिमांड को इफेक्ट कर रहा होता है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, कि आप जब कोई एसेट परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और दूसरे एसेट्स के रिलेटिवली क्या उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगी या कम इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एसेट्स को लेकर। ठीक है, तो अगर आप किसी कोई पर्टिकुलर एसेट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो रिलेटिवली अल्टरनेटिव एसेट से ज़्यादा है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप बॉन्ड्स खरीद लें या आप शेयर्स खरीद लें। ठीक है, अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन फ्यूचर वो शेयर्स से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ा दोगे। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एसेट की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे अल्टरनेटिव एसेट्स के मुकाबले में ये हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा इन फ्यूचर। ठीक है ना, थर्ड हमारे पास फैक्टर आता है रिस्क। ठीक है, जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो उससे कोई ना कोई रिस्क एसोसिएटेड होता है कि अक्सर ये होता है कि उसकी वैल्यू इन फ्यूचर जो है वो डाउन हो जाती है या उसका रिटर्न फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक रिस्क एसोसिएट करता है उससे। या फिर आपको ये रिस्क है कि इन्फ्लेशन की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क होते हैं जो जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड वो रिस्क आपके जहन में होता है कि इस एसेट से रिलेटेड ये रिस्क एसोसिएट करता है। ठीक है, तो रिस्क
की डेफिनेशन आप समझ लो द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रिटर्न। ठीक है, अगर आप सर्टेन नहीं हो रिगार्डिंग रिटर्न कि ये एसेट मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, बहुत अनसर्टेनिटी है उसके रिटर्न को लेकर, तो जितनी अनसर्टेनिटी होगी उतना रिस्क एसोसिएट करेगा। ऑब्वियसली आप अपने पैसे लगा रहे हो किसी एसेट को परचेज करने में, अगर आप श्योर ही नहीं हो कि ये आपको कितना रिटर्न देगा और देगा भी या नहीं देगा, तो जाहिर है कि उसके साथ एक रिस्क एसोसिएट करता है। ठीक है, अब अ रिस्क एवर्स पर्सन प्रेफर्स सेफ एसेट्स। ठीक है, यूजुअली हम सब कौन होते हैं जो हम रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे एसेट्स परचेज करें जो सेफ हों, जिनके बारे में हम श्योर हों, सर्टेन हों कि ये एसेट हमें इन फ्यूचर इतना रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो अगर अगर हम किसी ऐसे बंदे, हम उसी इंडिविजुअल को जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिस्क को अवॉइड करने वाला है। ठीक है, और मोस्टली पीपल ऐसे ही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि होल्डिंग एवरीथिंग एज कॉन्स्टेंट, अगर किसी एसेट का रिस्क इंक्रीज होगा रिलेटेड टू दैट ऑफ ऑल्टरनेटिव एसेट्स, सो इट्स क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। ठीक है, तो अगर किसी एसेट से रिलेटेड रिस्क हमारा बढ़ जाएगा तो हम फिर उसको कम प्रेफर करेंगे और हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम फिर ऑल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ चले जाएंगे जिनमें हमें कम रिस्क दिखेगा। ठीक है, देन फोर्थ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बेस कर रहा है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि किसी भी एसेट को आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टर होता है, सेवर्स जो होते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर वो अपने पैसे को अभी किसी एसेट की फॉर्म में रख रहे हैं, लाइक गोल्ड की फॉर्म में रख रहे हैं, शेयर्स बॉन्ड्स की फॉर्म में रख रहे हैं, या किसी रियल इस्टेट, कोई रियल इस्टेट जो है का कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो एसेट हम खरीद रहे हैं वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है जब हमें ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ने पे आप बहुत इजीली जो है आसानी के साथ और बहुत जल्दी उस एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहा जाएगा कि ये एसेट बहुत लिक्विड एसेट है। यानी फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको दो चीज़ों को बोलूँ कि इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करें, वन इज़ हाउस एंड अनदर इज शेयर्स। ठीक है, तो आपके ख्याल में घर को एक घर अगर आप जो है वो ओन करते हो और उसको लिक्विडेट करवाना करना ज़्यादा आसान है, या अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो उसको लिक्विडेट करवाना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली शेयर्स को बेचना कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है। अगर आप घर बेचने जाओगे तो आपको इमीडिएटली, अगर आप घर अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचना चाहते हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको मार्केट में हर वक्त बायर का मिलना और फिर इतनी जल्दी आपको आपका जो आप चाह रहे हो वो प्राइस मिलना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम इंडिविजुअल हमेशा प्रेफर करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि ऐसा एसेट होल्ड करें जो कि लिक्विड एसेट हो, जो कि टाइम आने पर हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हर इंडिविजुअल जो है वो कंसिडर करता है किसी भी एसेट को परचेज करने से पहले। ठीक है, अब अगर हम इसकी समरी देख लें तो ये हमारे पास समरी आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो इंडिविजुअल क्या करेगा, एसेट्स की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न रिलेटिव टू अदर एसेट्स इंक्रीज होगा, यानी इंडिविजुअल ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये एसेट ज़्यादा रिटर्न देगा मुझे इन फ्यूचर रिलेटिव टू अदर एसेट्स, तो इंडिविजुअल क्या करेगा कि जिस एसेट्स का वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाई रिटर्न होगा इन फ्यूचर, उसकी डिमांड वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसी तरह से रिस्क, अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये एसेट इस एसेट से बहुत रिस्क एसोसिएट करता है बाकी एसेट्स के कंपैरेटिवली, तो जिसमें वो रिस्क ज़्यादा देख रहा है वो उस एसेट्स की डिमांड क्या कर देगा,
रिड्यूस कर देगा। इसी तरह से लिक्विडिटी एक अच्छा फैक्टर है, अगर उसको लगता है कि भाई ये एसेट जो है इसको लिक्विडेट करवाना, कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, तो वो उस एसेट की डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि इन चार फैक्टर्स के साथ एसेट्स की डिमांड का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनली, अब हम अपनी बॉन्ड मार्केट पे आ रहे हैं। ठीक है, जो कि एसेट की एक टाइप है कि आप बॉन्ड की फॉर्म में भी अपनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने अपने जहन में रखनी है, और वो ये कि बॉन्ड्स के ऊपर, बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है बॉन्ड प्राइस, ठीक है, कि आप कितने का वो बॉन्ड परचेज कर रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज़ है इंटरेस्ट रेट, कि उस बॉन्ड पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, एंड दे बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यानी बॉन्ड प्राइस जितनी ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट उतना क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इसको मैं आपको एक क्विक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि इन दोनों का किस तरह से इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इनके रिलेशन को लेकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू होल्ड अ बॉन्ड जो कि आपको जो है इन फ्यूचर अभी आपको रिटर्न दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में जो है वो इसका जो रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा फ्यूचर में, इस मतलब वो बॉन्ड तो आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, बट हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में जो है ना वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है इकोनॉमी का। ठीक है, एक बात जहन में रखिएगा कि हर इंटरेस्ट रेट से आपका एक एक्सपेक्टेशन रिलेट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करंट सिनेरियो लें तो अभी हमारा जो इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 21% चल रहा है। ठीक है, विच इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें फ्यूचर में क्या हो जाना है, कम हो जाना है। ठीक है, और अगर ये फ्यूचर में कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा टाइम तक परटेन नहीं रह सकता, तो जब ये अगर ये फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आता है तो उससे मेरे एसेट की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको समझें, आप एक बॉन्ड होल्ड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कि आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको 15% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप कुछ टाइम बाद जाते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बॉन्ड को लिक्विडेट करवाने चले जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप उस बॉन्ड को लिक्विडेट करवाने जाते हैं, वो 100 रुपये का बॉन्ड आपने ख़रीदा था जो आपको 15% इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है, लेट्स सपोज, अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो न्यू बॉन्ड्स इस वक्त मार्केट में इशू हो रहे हैं वही 100 रुपये वाले, अब वो 15% इंटरेस्ट नहीं दे रहे बल्कि वो सिर्फ 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। सही है, जबकि आप जो बॉन्ड, आपके पास जो बॉन्ड है इस वक्त, जिस बॉन्ड को आप होल्ड कर रहे हो, वो वही 100 रुपये का बॉन्ड आपको 15% इंटरेस्ट दे रहा है, और मार्केट में जिस वक्त बॉन्ड इशू हो रहे हैं वो सिर्फ उस 100 रुपये के बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप खुद सोचो, ठीक है, कि आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका बॉन्ड सेम प्राइस है, बट आपके बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली बाकी बॉन्ड्स के अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फिर आप उसको 100 रुपये का नहीं बेचोगे, उसको फिर आप क्या करोगे, आप मोर देन 100 रुपये का बेचोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि यार 100 रुपये की बॉन्ड की वैल्यू, 100 रुपये का बॉन्ड तो 10% इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसी तरह से
इसकी ऑपोजिट आप जो है वो सोचो कि अगर आप इस वक्त आप एक बॉन्ड होल्ड कर रही हो जो कि आपको 10% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, और आप इन फ्यूचर जाते हो इस बॉन्ड को बेचने के लिए, आपको ज़रूरत पड़ती है कैश की, तो आप देखते हो कि यार यही 100 रुपये के जो न्यू बॉन्ड्स अब इशू हो रहे हैं ये 15% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो जब आप बेचने जाओगे तो आपको लगता है कि कोई भी आपसे आपका ये बॉन्ड 100 रुपये का खरीदेगा, जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आप किसी से बोलते हो कि यार ये मेरा 100 रुपये का बॉन्ड है ये ले लो, और ये ना 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, इसका जो रिटर्न है वो 10% है, तो कौन खरीदेगा आपसे? सब बोलेंगे कि यार इससे बेहतर ये नहीं है कि हम मार्केट से बॉन्ड खरीद लें, क्योंकि मार्केट में यही 100 रुपये का बॉन्ड 15% इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम आपसे क्यों खरीदेंगे 100 रुपये का बॉन्ड? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपये नहीं रही, ठीक है, आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या हो गई है, 100 रुपये से कम हो गई है, क्योंकि आपका बॉन्ड अब रिलेटिवली बाकी बॉन्ड्स के कम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, सही है। तो ये रिलेशन अपने जहन में रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड का या वैल्यू ऑफ बॉन्ड का आपस में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। लोअर प्राइसेस एंड हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, यानी जब प्राइसेस बॉन्ड्स की क्या होंगी, कम होंगी, और प्राइस कम होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, तो लोग प्रेफर करेंगे बॉन्ड्स को खरीदना क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है बॉन्ड, तो वो बॉन्ड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। देयर फॉर हम कहते हैं कि बॉन्ड प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी प्राइस ऑफ बॉन्ड जितनी ज़्यादा होगी लोग उतनी कम डिमांड करेंगे, ठीक है, बॉन्ड की, और प्राइस ऑफ बॉन्ड जितनी कम होगी लोग उतनी ज़्यादा डिमांड करेंगे बॉन्ड की। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे होते हो, किसी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हो, कि किसी चीज़ की प्राइस जितनी ज़्यादा होती है आप उसकी डिमांड उतनी क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो देयर फॉर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट है जिसमें हमने वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस ऑफ बॉन्ड लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड्स लिया हुआ है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास ग्राफ बना हुआ है जो आपको शो कर रहा है कि भाई प्राइस ऑफ बॉन्ड का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बॉन्ड सप्लाई पे। अब बॉन्ड सप्लाई कौन करता है ये आपने अभी इसी पॉइंट पे समझना है। देखो, बॉन्ड सप्लाई कौन करता है, जो कि बोरोवर होता है, जिसको पैसों की ज़रूरत होती है, या आसान वर्ड्स में जिसको कर्ज की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, उसको कोई अपना प्रोजेक्ट वगैरह करना है, अब उसको पैसों की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, उसके गवर्नमेंट के पास एक तरीका ये है कि वो बॉन्ड्स इशू कर दे लोगों को। उससे क्या होगा, लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास, सही है। तो गवर्नमेंट जो है वो सप्लायर ऑफ बॉन्ड हुई, या जितने भी बोरोवर्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, जो बॉन्ड्स इशू करते हैं वो सप्लायर हैं बॉन्ड के, जबकि डिमांडर्स कौन है, जो कि सेवर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके लेंडर्स हैं, ठीक है, जो पैसा अपना दे रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने जहन में लाजमी रखिएगा क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। तो इसको बिल्कुल भी मुश्किल करके मत समझिएगा, इसको बहुत आसानी से समझिए कि जब आपने सिंपल डिमांड और सप्लाई पढ़ा था अपने इकोनॉमिक्स, जब आपने स्टार्ट करी थी इनिशियल लेवल पर, तो आपने पढ़ा था कि यार डिमांड जो है, प्राइसेस जितनी ज़्यादा होती हैं लोग डिमांड उतनी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन प्राइसेस जितनी ज़्यादा होती हैं सप्लायर उतना इनकरेज होता है उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट है उस चीज़ में, और जितनी कम प्राइसेस होंगी सप्लायर उतना ही डिस्करेज होगा क्योंकि उसको लो प्राइसेस मिलेंगी अपनी प्रोडक्ट की, तो वो उतना कम सप्लाई करना चाहेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड्स के केस में भी एग्जैक्ट वैसा ही है, ठीक है, बॉन्ड की भी प्राइस है, बॉन्ड्स के भी कुछ बायर्स हैं और सेलर्स हैं, जितनी कम प्राइसेस होंगी बायर्स उतना इनकरेज होंगे उस चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है, उतना वो बॉन्ड्स की डिमांड करेंगे, और लेकिन लो प्राइसेस पर सप्लायर डिस्करेज होंगे, ठीक है, और वो बॉन्ड्स की सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो प्राइस, बॉन्ड प्राइसेस और सप्लाई का आपस में क्या रिलेशन हमें दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। लो प्राइसेस होंगी, बॉन्ड की सप्लाई कम हो जाएगी,
हाई प्राइसेस होंगी, बॉन्ड की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बॉन्ड का सप्लाई कर्व है वो हमारे पास पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ बॉन्ड बना हुआ है, आपका अपवर्ड स्लोप बना हुआ है, ठीक है। और इन दोनों की जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि भाई ये वो पॉइंट है जिस पे बॉन्ड की मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ऑफ आपका पॉइंट है जिस पे आप कह रहे हो कि जितना बॉन्ड्स डिमांड हो रहे हैं उतनी ही बॉन्ड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू बी एस मीन्स बॉन्ड डिमांड इज इक्वल टू बॉन्ड सप्लाई, ठीक है। और इस लेवल पर आपको एक प्राइस मिल रही होगी इक्विलिब्रियम प्राइस के भाई ये वो प्राइस है बॉन्ड की जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस है, और उसी के बैक एंड पर आपको इंटरेस्ट रेट भी पता चल रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली हर बॉन्ड की जब कोई प्राइस होती है कि जिस प्राइस पर आप उसको खरीद रहे होते हो उसका रिटर्न भी होता है कि उस पर वो इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस और बॉन्ड इंटरेस्ट रेट साथ साथ चल रहे होते हैं, बट इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपनी इस वीडियो को रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड डिमांड को इफेक्ट करते हैं।